हे बेवकूफो, आज मैं फिर से बोर हो रहा हूँ। चलो ना ग्रैनी के घर चलते अरे दोस्तों, आज मेरा कुछ एडवेंचर करने का मन हो रहा है। चलो ना ग्रैनी के घर चलते हैं। अरे दोस्तों, मेरा तो सोने का मन हो रहा है। चलो ना ग्रैनी के घर चलते हैं। नीले टीन के सड़े हुए रोबोट खाएंगे ग्रैनी के चमचे। तुम्हें और कोई गेम नहीं सोचता क्या? जब देखो तब ग्रैनी के घर चलते हैं, ग्रैनी के घर चलते हैं। अरे ग्रैनी तुम्हारी मौसी लगती है क्या? अरे जियान, अगर तुम्हें ग्रैनी के घर नहीं जाना था तो मुझे आराम से बोल देते, मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो बस तुम लोगों को एक सजेशन दे रखा था। ओए नीले रकुंडो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सजेशन पजेशन। अरे दोस्तों, आज मेरे डैड मेरे लिए मार्केट से एक नया गेम लाए हैं, और वो भी एक हॉरर गेम लाए हैं। हॉरर गेम सुनियो, पर तुम्हारे उस गेम को खेलने के लिए दो ही लोगों की जगह होगी ना, फिर तो तुम हमें उस गेम को खिलाने नहीं ले जाओगे। हाँ अरे नहीं नहीं जियान, उस गेम को 10 या 20 लोग साथ मिलकर खेल सकते हैं। अरे सुनियो, पर उस गेम का नाम तो बताओ, आखिर नाम क्या है उस गेम का जो तुम्हारे डैड लाए हैं? अरे दोस्तों, उस गेम का नाम है चल चल चार्ल्स। काफी मजेदार गेम है दोस्तों, और उस गेम के अंदर हम रियल लाइफ में भी जा सकते हैं, तो है ना बहुत ही मजेदार। क्या तुम सब लोग मेरे साथ चलना चाहोगे? अरे बस बस दोस्तों, बस बस चलो फिर चलते हैं चल चल चार्ल्स खेलें। मैं तो तुम लोगों को मजाक में कहा था, पर तुम लोग तो मेरे को असलियत में ले आए यहाँ पर। ऐ नोबिता, अगर अब तुम रोए ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। नोबिता अब शांत रहो तुम, और वहाँ पे सामने ताऊ जी कौन खड़े हुए हैं? मैं तुम्हारा ताऊ जी नहीं, मैं तुम्हारा दादा जी हूँ बच्चा। आओ तुम मेरे पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, फटाफट आओ। दोस्तों मैं तो भाग भी नहीं सकता इतनी तेज, तुम लोग कैसे भाग रहे हो? अरे नोबिता, और एक्टिंग की दुकान, तुम शांत रहो और सुनो यार, इस बुड्ढे के पीछे चलते हैं, मेरा मतलब दादाजी के पीछे पीछे चलते हैं। दादाजी कहाँ ले जा रहे हैं हमें? और भाई यहाँ पर तो ये खंडर क्या है दोस्तों? ये हमें खंडर पर क्यों ले आए? और यहाँ पर तो ट्रेन की पटरियाँ भी है, ये दादाजी क्या कह रहे हैं? मैं ये तो लॉक है बच्चा, तुम्हें चाबी लानी पड़ेगी। मैं तुम्हें नक्शा दे रहा हूँ, उस नक्शे पे जाकर तुम चाबी ले आओ, फटाफट जाओ। अरे दोस्तों क्या नक्शा दिया इस बुड्ढे ने? ओहो दोस्तों, हमें सीधा चलना है और सीधा हमें जाकर वो चाबी वगैरह मिल जाएगी। तो चलो फिर दोस्तों चलते हैं उस चाबी को लाने। तो चलो यार चलते हैं, और भाई सीधा जाना है, और देखते हैं यार कहीं, यार मुझे तो यहाँ पर डर लग रहा है कहीं स्लेंडर मैन वगैरह ना मिल जाए, क्योंकि ये जगह वैसी लग रही है मेरे को। और भाई ये आ गए हम इस छोटे से लकड़ी के बने मकान में, यार काफी डरावना है ये। चलो मैं यहाँ पर ये दरवाजा खोलता हूँ, भाई खुल जा सिम से। तो दरवाजा खुल गया, और यहाँ पर ये देखो दोस्तों, हमें चाबी मिल गई। फटाफट से चलते हैं अपने बुड्ढे के पास, मेरा मतलब दादाजी के पास। अरे दोस्तों कहीं ये बुड्ढा हमें मरवा ना दे ऐसे ही अपने फालतू के मिशन करवा कर। अरे हाँ पुकड़मून भैया, मेरे को ये बुड्ढा, मेरा मतलब ये दादाजी, मेरे को कुछ सही नहीं लग रही है। और ये दादाजी इस चाबी का करेंगे क्या? दरवाजा खोलो फटाफट, मैं लेके चलता हूँ, तुम मेरा पीछे पीछे आओ, ये खून देखकर घबराना मत। इतना सारा खून दोस्तों इन ट्रेन की पटरियों पर है। दोस्तों मेरे को लग रहा है हमें दादाजी कह रहे हैं कि हमें ये ट्रेन को चलाना है। चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं अपनी ट्रेन के ऊपर, यार ये ट्रेन तो काफी डरावनी है। और यहाँ पर ये ट्रेन की सब स्टार्ट इंजन वगैरह है यहाँ पर, और भाई ये ट्रेन तो काफी सही है अंदर से। और यहाँ पर ये क्या है? अच्छा हमें स्क्रैप्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर हमारी ट्रेन को नुकसान होता है तो हमें स्क्रैप्स सही करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो ये बंदूक है, अरे बाप रे बाप यार, यहाँ पर तो काफी मजेदार सीन है ये बंदूक। मेरे को लगता है इस बंदूक से हमें किसी को टपकाना पड़ेगा। और दादाजी क्या करना है इस बंदूक का? बच्चे इस बंदूक से तुम्हें चार्ल्स को टपकाना है, फटाफट और प्रैक्टिस करो इसकी थोड़ी। दादाजी हम नहीं कर रहे कोई प्रैक्टिस, हम चल रहे हैं अपनी ट्रेन को लेकर। चलो भाई दोस्तों, और भाई यार कर रहे, ये देखो दोस्तों यार क्या मस्त ट्रेन है। कैसे बेशरम बच्चे हैं, बेशरम। दादाजी कहाँ जा रहे हैं मेरी ट्रेन को लेकर? दादाजी चला क्यों रहे हो? चला क्यों रहे हो? बच्चे बच्चे मारो तो गया। आप दादाजी हमें आगे क्या करना है? बच्चा चार्ल्स से कोई भरोसा नहीं है, वो देखो वहाँ क्या मुझे टपकाना है बच्चा। अरे क्या कर रहे हो बच्चा? अरे 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 भाई लग जा, लग जा, लग जा।
अरे भाई अच्छा हुआ चार्ल्स का बच्चा, चलो पीछे तो हटा, मेरे को लगता है वो निकल गया, वो नहीं आएगा यहाँ पर दोस्तों दोबारा मेरे को। अरे भाई अरे ये तो दोबारा से आ गया, अरे दोबारा से आ गया ये तो। बचाओ बच्चे बचाओ मुझे, बचाओ बच्चे ये मेरे मारने आ रहा है, बच्चे बचाओ मुझे बचाओ। अरे दोस्तों वो चार्ल्स का बच्चा यहाँ से गया और हमारी ट्रेन में रुक गई। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, अपने दादाजी को देखने चलते हैं, देखते हैं यार वो कैसे हैं, क्या हम उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जा सकते हैं या नहीं। अरे दादाजी दादाजी चार्ल्स का बच्चा ने मेरे यहाँ से कितने करके रख दिए, तुम्हें और कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अंडे ढूंढने हैं अंडे। अरे दोस्तों ये दादाजी तो अंडे ढूंढने को कह रहे हैं, भलाई से इतने घरे जंगल में हम अंडे कहाँ से ढूंढेंगे। अरे दोस्तों ये बुड्ढा तो चल बसा यार हमें छोड़कर इस घने जंगल में, अब तो ये ट्रेन ही है दोस्तों, हमारा सारा फटाफट से ट्रेन के अंदर भागो, कहीं वो चार्ल्स का बच्चा दोबारा से आ जाए। क्यों दोस्तों है मेरा गेम एकदम बढ़िया, मेरे डैड तो ऐसे ही गेम्स लाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सुनियो सुनियो का बच्चा इतना डरावना गेम लाया है, इसका तो मुँह पे मारने का मन हो रहा है दोस्तों, इसका तो मुँह तोड़ देना चाहिए जो ये हमें इतनी सड़ी जगह पर ले आया। अरे बस बस नोबिता यार हमने ये सब देख लिया है और यहाँ पर हमें दोस्तों हमें इधर नहीं आना है, वहाँ पर तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये कुछ है और दूसरी साइड देखते, दूसरी साइड भी है ये पीला पीला। अरे दोस्तों दोस्तों ये देखो हम रॉन्ग ट्रैक पे आ गए हैं, हमें दूसरे ट्रैक पे जाना है दोस्तों। चलो यार मैं एक काम करता हूँ, अभी अपनी ट्रेन को ना यार पीछे ले चलते हैं रिवर्स गियर में। अरे पुकड़ी मोहन भैया पर हमारी ट्रेन अपनी पटरी कैसे, मतलब हमारी ट्रेन हमारा ट्रैक कैसे चेंज करेगी पुकड़ी मोहन भैया ये तो बताओ। अरे पुकड़ी मोहन भैया वो बुड्ढे बुड्ढा, अरे आपने तो उस बुड्ढे को दोबारा से मार दिया, मरे हुए को और मार दिया पुकड़ी मोहन भैया आपने। अरे शिनचान मैं क्या करूँ, ट्रेन को तो हमें पीछे लेना ही था, चलो फटाफट से हमने ट्रेन को भी रोक दिया है और हम काफी पीछे आ गए हैं। चलो यार ट्रेन से बाहर निकलते हैं और भाई यहाँ पर इसको थोड़ा आगे ले जाना है, हम ज्यादा ही पीछे आ गए दोस्तों, तो चलो यार थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और यहाँ पर रोक दिया है। भाई रुक जा ट्रेन, अरे रुक गई। चलो दोस्तों ट्रेन को हमने रोक दिया है, फटाफट से यार यहाँ पर एक लीवर वगैरह होगा, अरे हाँ ये रहा, चलो ये खींच दिया हमने लीवर और भाई अब हमारी ट्रेन जो है राइट ट्रैक पे जाएगी, एकदम सही ट्रैक पे अब जाएगी जहाँ से हमें अंडे वगैरह सब मिल जाएंगे और यहाँ पर हमें मिशन भी करने पड़ेंगे दोस्तों, तो यार काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलने के लिए। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये देखो दोस्तों हमारी ट्रेन ने पटरी भी चेंज कर ली, बस अभी हमें यहाँ से आराम से चलता रहना है और भाई यहाँ पर हमें अगर कुछ भी दिखे हमें रुक के यहाँ पे मिशन पूरे भी करने हैं। अरे पुकड़ी मोहन भैया वैसे हमारी ये ट्रेन जा कहाँ पर रही है हमें तो ये भी नहीं पता। अरे शिनचैन तुम आना जाना सब मुझ पर छोड़ दो, हमें तो बस यहाँ पर मिशन पूरे करने हैं, मिशन काफी मजा आएगा दोस्तों मिशन पूरे करने में। दोस्तों मेरे को यहाँ पर ब्रेक मार देने चाहिए, तो यार यहाँ पर मैंने ब्रेक मार दिए हैं, यहाँ पर मुझे झोपड़ी वगैरह दिख रही है कुछ, यार यहाँ पर रोकना, यार मैप देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर तो थोड़ा सा और आगे जा रहा है हमें, तो यार चलो मैं दोबारा से एक्सीलेटर दबाता हूँ, चलो फटाफट से चलते हैं आगे। और यार इसको अब हम बाद में ही ब्रेक मारेंगे जब हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे, मैप में देखते रहना पड़ेगा हमें। चलो यार मैप तो अभी मैंने अभी खोला था, यार थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर मैप को खोल कर देखता हूँ कि हम अपनी सही जगह पर आए या नहीं। ट्रेन को रोक दो पकड़े मोहन भैया, बस बहुत हो गया, हम बहुत आगे आ गए हैं और ये देखो ये तो हम हद से ज़्यादा आगे आ गए पकड़े मोहन भैया। अरे चलो एक काम करते हैं, पहले यही वाला मिशन पूरा कर लेते हैं, पीछे हम बाद में चले जाएंगे। यार यहाँ पर हमें इन जंगलों में भटकना पड़ेगा, मुझे तो यार यहाँ पर अब डर भी लग रहा है। चलो यार कोई नहीं फटाफट से चलता हूँ, अरे इधर ही तो होगी वह झोपड़ी कहीं, अरे हाँ सामने है सामने, मुझे लाइट दिख रही है, अरे हाँ सामने है सामने। चलो दोस्तों फटाफट से घुसते हैं अंदर, और भाई ये तो काफ़ी डरावनी जगह है, और ये आदमी कौन है यहाँ पर, दादाजी तो नहीं, दादाजी के हाथ में, अरे नहीं नहीं ये तो कोई दूसरा आदमी है। बच्चों वो आ चुका है, उससे पहले तुम्हें यहाँ पर आग को बुझाना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या बात हुई, इसने तो अपन चाय पानी भी नहीं पूछा, हम यहाँ पर आग को कैसे बुझाएं, यार यहाँ पर तो बारिश भी पड़ रही है वैसे, पर आग बुझती क्यों नहीं, मेरे तो यही समझ में नहीं आता।
और हम ये मैप में यार, चलो मैप को छोड़ो यार, यहाँ पर बारिश पड़ रही है, ये बुझ क्यों नहीं रही है यार। हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। चलो यार इधर आगे चलता हूँ, देखते हैं कोई पानी वगैरह का जुगाड़। यहाँ पर तो हमें स्क्रैप्स मिल गए दोस्तों। चलो यहाँ पर हमें कुछ तो मिला ढंग का, स्क्रैप वगैरह हमें यहाँ पर मिल गए। अब हमें यहाँ पर दोबारा इधर ही जाना पड़ेगा। और यार इधर ये देखो दोस्तों, यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ यार, यहाँ पर ये भी तो झोपड़ी है यार। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें और स्क्रैप्स मिल गए। चलो मैं इसको खोलता हूँ। अरे अरे ये तो लॉक है यार, ये तो खुलता भी नहीं है। एक काम करता हूँ, इस झोपड़ी के पीछे जाकर देखता हूँ कि अब तक कोई सीक्रेट जगह वगैरह या गुफा वगैरह हमें मिल जाए तो यार मज़ा ही आ जाएगा। अरे यार यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। अरे यार, अरे एक मिनट दोस्तों, सामने तो ऊपर टंकी है। चलो ऊपर चलते हैं दोस्तों, इस टंकी को इसके ऊपर गिरा देंगे, आग भी बुझ जाएगी और ये हमारा मिशन भी पूरा हो जाएगा। फटाफट से चलता हूँ ऊपर भाई। और यहाँ पर हमें स्क्रैप्स में और भी मिल गई दोस्तों, मज़ा ही आ गया। और ये देखो, ये रहा टंकी और ये रहा इसका लीवर, हमें इसको घुमाना है। और ये हमने घुमा दिया। और भाई ये देखो, मिशन पूरा हो गया। ये देखो यार, ये देखो यार, यहाँ पर तो आग बुझ गई। उर्रे ओए बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आग बुझाने के लिए, मजा ही आ गया। पर वो चार्ल्स आ चुका है, उससे संभल के रहना, तुम्हें अंडे इकट्ठे करने पड़ेंगे। अरे ठीक है दादाजी, ठीक है, बस हम यहाँ से अब निकलते हैं। तो आपका काम तो पूरा हो गया होगा, आपका तो मतलब वगैरह निकल गया होगा। हमें दादाजी अब जाना है अपनी ट्रेन के पास, चलते हैं और ट्रेन को फिर रिवर्स गियर में लेते हैं और उसको पीछे ले चलते हैं। सर दादाजी बाय बाय, चलो चलते हैं। कहाँ गई हमारी ट्रेन यार, हम तो जाते ही करें जंगल में आ रहे थे वैसे। चलो कोई नहीं, यहाँ पर हमारी ट्रेन कहाँ है? अरे कहाँ गई? अरे यहाँ पर हमें स्क्रैप्स मिल गए दोस्तों, मज़ा ही आ गया। चलो कहाँ गई हमारी ट्रेन? अरे हाँ ये खड़ी। अरे यार यहाँ पर तो ये पुल है, वो देखो दोस्तों वो रही हमारी ट्रेन। चलो फटाफट से यार अभी ट्रेन में बैठते हैं और इसको पीछे ले चलते हैं। और यार पीछे भी तो मिशन करने हैं हमें बहुत सारे। नीले रुकुंडो, एक तो ये ट्रेन वैसे ही सड़ी हुई है, और तुम इसे आगे पीछे वगैरह करके इसे खराब मत कर देना, समझ गए ना तुम डोरेमोन? चलो ट्रेन को रिपेयर कर दो थोड़ा। और ये क्या, हमारे पे तो स्क्रैप्स ही खत्म हो गए। अरे कोई नहीं जान, हमारी ट्रेन इस हालत में भी चल सकती है, हमें पीछे आना पड़ेगा। हम काफी पीछे आ चुके हैं, ब्रेक मार देता हूँ। चलो ब्रेक लग गया है। और भाई यार यहाँ पर ये झोपड़ी है, इसका आखिर हमें करना क्या है? इसके अंदर होगा यार, यहाँ पर तो ये स्क्रैप भी मिल गया। और ये आंटी कौन है? अरे आंटी आप हो कौन? अरे बच्चों चार्ल्स आ गया है, उसको तुम्हें मारकर भगाना पड़ेगा, तुम्हें अंधे खत्ते करने पड़ेंगे बच्चों। ओके बाय बाय, ये दरवाजा नहीं खोलेगा तुमसे। अरे दोस्तों यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं करना था, मेरे को लगता है आंटी ने हमें बस ऐसी बातचीत करने के लिए बुलाया होगा। चलो कोई नहीं, अपनी ट्रेन को ले चलते हैं। और भाई यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर ये झोपड़ी वगैरह, और यहाँ पर ये दोस्तों ये देखो, यहाँ पर ये आग कैसे चल रही है? ये आग कैसे चल रही है दोस्तों, मेरे तो यही समझ में नहीं आया। और यहाँ पर ये देखो दोस्तों, हमें स्क्रैप्स भी मिल गए हैं, पर यार यहाँ पर बारिश पड़ रही है, पर ये आग कैसे चल रही है, मेरी यही समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं यार दोस्तों, हो सकता है यार ये जगह ही ऐसी हो, इतनी डरावनी। कोई नहीं, यहाँ पर ये झोपड़ी है और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। स्क्रैप्स भी हमें मिल गए दोबारा। और भाई ये बक्से पता नहीं क्यों रखे हुए यहाँ पर इतना, आखिर क्या होगा इनमें? चलो इधर आगे चलकर देखते हैं। और भाई यहाँ पर तो ये खंडर हो रखा है पूरा, यहाँ पर तो सड़ी पकी हुई ट्रेन है जो कि पहले के टाइम में इस्तेमाल होती थी। और ये चेस्ट में क्या है, इस चेस्ट के अंदर क्या होगा दोस्तों? इसके लिए तो हमें ताली वगैरह चाहिए जो कि अभी हमारे पास है नहीं। अरे पोकेमोन भी एक काम करते हैं, फटाफट से अपने अंडे इकट्ठे करने वाली जगह पर चलते हैं। और ये देखो दोस्तों, यह गए हम अपने अंडे इकट्ठे करने वाली जगह पर। एक मिनट में सामने एक घर झोपड़ी वगैरह है, इधर क्या हो सकता है? यहाँ पर तो कुछ भी, अरे यहाँ पर तो ये बंदूक वगैरह दोस्तों, यहाँ पर तो ये बंदूक वगैरह है। चलो इन बंदूकों को उठा लेते हैं। अरे ये क्या यार, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं आ रही। ए डेढ़ फुटिया सिंचन, तुम रहने दो, ये तुम्हारे बस को नहीं है, मुझे ट्राई करने दो। अरे भाई ये बंदूक क्यों नहीं आ रही हाथ में मेरे? अरे भाई आ जा। अरे ये क्या यार, हमारे हाथ में तो ये फावड़े वगैरह भी नहीं आ रहे, और ये बंदूक, अरे इतनी पास आने के बाद भी मेरे को लगता है ये गेम में ही कुछ लोचा है, या इस जगह में ही कुछ लोचा है, जो ये बंदूक हमारे हाथ में नहीं आ रही। अरे दोस्तों रहने दो, इस बंदूक पे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है इन फावड़ों वगैरह को लेने का, ये हमारे हाथ में ही नहीं आने वाले दोस्तों, इनको कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ से चुपचाप तुम लोग यहाँ से चल लो मेरे साथ। अरे भाई चलो तुम लोग यार,
अब सुहाब हुई ना बात, चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं अपने जगह पर। यहाँ पर हमने लोकेशन मार्क की थी और भाई यहाँ पर चलना है हमें, भाई सीधा चलते रहना है यहाँ पर, जहाँ पर हमें हमारे ताऊ जी ने लोकेशन बताई थी अंडे की। अरे कहाँ गई, अरे हाँ अब हमें यहाँ से ये लेना है। चलो भाई यहाँ पर तो हम आ चुके हैं यार, ये तो काफ़ी डरावनी जगह है, यहाँ से हमें इधर भी सीधा चलना है। और चलो यार यहाँ पर इधर चलते हैं, और भाई यहाँ पर तो रास्ता बंद है, और यार यहाँ पर कोई इधर चलते हैं, और यार यहाँ पर इधर, और ये देखो दोस्तों ये रहा हमारा हरा अंडा, और भाई पीछे इसका सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, वो गोली मारेगा हमें, फटाफट से भागो भाई यहाँ से। अरे भाई हाँ हाँ बच गए दोस्तों, बार बार बच गए, तो हमें डैमेज दे रहा है। अरे भाई यहाँ से हम निकलेंगे तो निकलेंगे ऐसे यार, ये तो पूरा भूल भुलैया वाला सीन हो रहा है। अरे भाई यहाँ पर तो रास्ता ही नहीं है जाने का, अरे जाए तो जाए कहाँ आखिर। अरे भाई यार यहाँ पर तो एक ही घाट भी हमारे पीछे पड़ गया है ना ऐसे, तो यार हमें कोई रास्ता ही नहीं तेरा निकलने का भाई, फटाफट से। अरे कैसे निकले दोस्तों।